विकासनगर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास कैनाल रोड स्थित जेएम डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में देर रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित गोदाम मालिक ने बताया कि दैनिक कार्य समाप्त करने के बाद वह घर चले गए थे और जब सुबह दुकान खोली तो अंदर का नजारा देखा तो गल्ले का ताला टूटा हुआ था। इसके साथ ही पीड़ित गोदाम मालिक ने गल्ले में रखी लगभग 7 से 8 लाख रुपए चोरों द्वारा ले जाने का अनुमान जताया है। वहीं चोरी की जानकारी पीड़ित ने नगर पुलिस को दे दी है, जिसके तहत पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। कैनाल रोड स्थित जेएम डिस्ट्रीब्यूटर्स की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में उसके द्वारा मयंक गुप्ता द्वारा तहरीर दी गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। सर जैसे देखा, नाम सर मयंक गुप्ता है और मेरी फर्म का नाम जेएम डिस्ट्रीब्यूटर। ये फर्म निकट भंडारी हॉस्पिटल कैनाल रोड विकास नगर में है, डिस्ट्रिक्ट देहरादून। और दैनिक जिस तरीके से हम अपना दैनिक कार्य करते हैं प्रतिदिन का, उस इस दैनिक कार्य को करके रात को हम 9 बजे रात्रि में अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर पर चले गए। उससे पहले हमारे को एक जगह डाक पत्थर में जगह जाना था किसी व्यक्ति को देखने के लिए, तो चांस की बात है। जनरली हम कैश अपना घर ले जा लेते हैं, जो कि हमारा डेली कैश सेल का कलेक्शन का रहता है।